आप कह रहे हैं बिना खर्चे बिना पर्ची के नौकरी लगती है, क्या आप मानते हैं? आराम से ना, आराम से। हाँ, एक लास्ट में इलेक्शन आ गया, डी ग्रुप की नौकरी दे दी, क्या दे दी? ए मैं और बी में कौन लग गए हैं ये बताओ मेरे को। जैसा झूठा आज तक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कोई भी बुराई करता है जितना एक भगवान जैसा आदमी था। क्या सोच रहे हैं इस बार आप चुनाव में? कांग्रेस। अच्छा, क्यों? पूर्ण बहुमत है। हम जी बदलाव की नीति से चल रहे हैं, इस सरकार ने हर जाति को परेशान किया है। शमशेर सिंह जी, मुझे बताइए कि आपके लिए इस बार क्या मुद्दे हैं चुनाव में? मुद्दे हैं जी, काम तो कर नहीं कुछ ही सरकार ने। और ये बोल रहे हैं ना, ये भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इसी सरकार में। बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा, कोई वोट नहीं देगा। डी ग्रुप की सी ग्रुप की दो भर्ती करी 10 साल में, और कोई भर्ती में बताओ, सारे पेपर लीक हुए। जब कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी, तो महंगाई उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी भाजपा की सरकार में देखने को मिल रही है। हम नहीं डरते किसी से भी, बीजेपी हो कोई हो किसी से नहीं डरते जी। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। डीबी लाइव का कारवां पहुंच चुका है अब पानीपत। हम हरियाणा के अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से पूछ रहे हैं कि इस बार वो क्या सोच रहे हैं, और इसी सिलसिले में हम पहुंच गए हैं पानीपत में। पानीपत की जब हम बात करते हैं तो पानीपत के साथ सोनीपत और ये तमाम जो एरियाज़ हैं, इनको GT रोड वाली जो तमाम सीट्स हैं उनमें इनको गिना जाता है। दक्षिण हरियाणा और GT रोड, ये दो जगहें मानी जाती हैं कि ये बीजेपी के प्रभुत्व वाली जगहें हैं। यहाँ पर बीजेपी को अच्छा खासी कामयाबी 2014 में और 19 में मिली। लेकिन पानीपत ज़िले की जब हम बात करते हैं, यहाँ 4 विधानसभाएं आती हैं और 4 विधानसभा में से 2 विधानसभाएं गई थी बीजेपी को और 2 पर कांग्रेस का कब्जा हुआ था। जब हम पानीपत की बात करते हैं तो ये भी बताना आपको ज़रूरी है कि पानीपत में 3 युद्ध हुए थे, 3 बड़े युद्ध हुए थे जिसकी वजह से पानीपत जाना जाता है। आपने और मुझ जैसे लोगों ने ज़रूर अपने इतिहास की किताबों में पानीपत के उन युद्ध की कहानी और उनसे जुड़े तमाम किस्से और तमाम वो पढ़े और सुने ज़रूर होंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राजनीतिक युद्ध की, कि इस राजनीति के इस युद्ध में, इस लड़ाई में कौन बाजी मारने जा रहा है। इस वक्त हम लोग पानीपत ग्रामीण सीट पर हैं। जब पानीपत ग्रामीण सीट की मैं बात करती हूं तो ये 2008 के परिसीमन के बाद बनी थी और 2009 में यहां पर पहला चुनाव हुआ था। 2009 में यहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने बाजी मारी थी और 2014 और 2019 में महिपाल ढूंढू, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और मंत्री भी हैं, उन्होंने बाजी मारी और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उन पर अपना भरोसा जताया है। तो वहीं कांग्रेस से ने एक यूथ चेहरे को मैदान में उतारा है, सचिन कुंडू उनका नाम है, जो मैदान में आए हैं। लेकिन उनको लेकर कई तरह की कंट्रोवर्सीज़ भी हैं। लोगों का ये कहना है कि उनसे पहले कई और ऐसे नाम थे जो लिस्ट में थे जिनकी दावेदारी इनसे ज़्यादा मजबूत थी, लेकिन सचिन ने इसमें बाजी मार ली और उनको टिकट इस बार दिया गया है। कांग्रेस के लिए ये सीट आसान नहीं है, कांग्रेस के लिए ये सीट मुश्किल है, लेकिन देखना ये होगा कि कांग्रेस की लहर जिस तरह से पूरे हरियाणा में देखने के लिए मिल रही है, क्या उसका फ़ायदा सचिन कुंडू को देखने के लिए मिलता है। एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट और है, विजय जैन जो कि पहले बीजेपी में थे, बीजेपी से उनका टिकट कटा, वो कांग्रेस में आए और कांग्रेस ने भी उनको टिकट नहीं दिया। अब वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं और उनकी भी दावेदारी अच्छी खासी मजबूत मानी जा रही है, इसलिए पानीपत ग्रामीण की सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है और इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन बाजी मारता है और विजय जैन बीजेपी का या कांग्रेस का, इन दोनों में से किसका खेल बिगाड़ते हैं और किसका खेल बनाते हैं, इस पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं, या फिर इन दोनों को हरा के वो बाजी मार लेते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि अगर विजय जैन को उम्मीदवार बनाया जाता तो कांग्रेस की शायद यहाँ पे दावेदारी पहले से और ज़्यादा मजबूत होती। लेकिन आज हम लोगों के बीच जाएंगे। यहाँ पर आप ये देखिए, जिस तरह से आपने देखा है कि हरियाणा में अलग अलग जगहों पर छोटी छोटी चौपालें लगी होती हैं, लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और बात करते करते चुनाव की बातें भी, क्योंकि चुनाव है अब से कुछ ही दिन में, 5 अक्टूबर को हरियाणा वोट करेगा, तो वो क्या सोच रहे हैं। पीपल का ये पेड़ है जिसके नीचे बहुत पुराना, मुझे लग रहा है ये पेड़ है, कितने साल पुराना होगा ये? ये होगा 10-15 साल पुराना। बस 10-15 साल पुराना है। अच्छा, कुएं में लगाया था। अच्छा,
तो काफी पुराना ये पेड़ है, इसकी जड़ें आप देख सकते हैं किस तरह से जड़ें भी यहाँ से निकल रही हैं। और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे मैं देखूँ तो यहाँ पर मंदिर है, और मंदिर के इस बीच और पीपल के इस पेड़ राधा कृष्ण मंदिर कितना पुराना है? अच्छा अच्छा, बहुत पुराना मंदिर है तो इसकी बहुत मान्यता है। हाँ जी, बहुत मान्यता राधा कृष्ण मंदिर की, बहुत पुराना मंदिर है, इसकी पूरा गांव बड़ी मान्यता रखता है। जी जी, जिस दिन से ये बना है ना जी, आसमान से हमारे गांव में ओलों की मतलब मार हुई ना, उससे नुकसान नहीं हुआ। और पहले होते थे ओले? होते थे। अच्छा। पहले ही दिन चढ़ जाते थे, फसल मर जाती थी, तो अच्छा। इसकी मान्यता बहुत है। ठीक है, चलिए। तो हमने इस मंदिर की के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन अब लोगों से ये जान लेते हैं और आपसे ये जान लेते हैं। बाबा, आपसे शुरुआत करती हूँ, क्या सोच रहे हैं इस बार आप चुनाव में? कांग्रेस। कांग्रेस? कांग्रेस। अच्छा, क्यों? पूर्ण बहुमत है। ऐसा क्यों? 2014 और 2014 और 19 में तो बीजेपी जीती थी। नहीं, हमने नहीं दिया। आपने नहीं दिया था? कभी नहीं दिया, आज तक नहीं दिया बीजेपी को वोट, कांग्रेस को देता हूँ। और इस बार भी आप उन्हीं को देंगे? क्या मुद्दे हैं लेकिन आप क्या सोचकर, महंगाई, बेरोजगारी, इसका क्या हल हुआ है? बेरोजगारी भी और लूटा कसूटी भी, डकैती भी, बलात्कार भी, सारे इस राज में हो रहे हैं। जो धरती पर कांड होया करें वो इस राज में हो रहे हैं जी। अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो एक बार चौथे नंबर पर, एक बार पांचवें नंबर पर आई थी, उससे वक्त तो मैंने देखा था कि उसमें इनेलो जो है उसका फिर भी इसमें यहाँ पर प्रभुत्व रहा है। और यहाँ अगर जातीय समीकरण की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि आप 15% जाट हैं, 30% OBC हैं, यहाँ पर 21% तकरीबन दलित आबादी है और 10% यहाँ पर ब्राह्मण हैं। तो इस सीट पर, ये तो जातीय समीकरण रहे, आप मुझे बताइए इस बार क्या सोचकर आप वोट करने जा रहे हैं? हम जी बदलाव की नीति से चल रहे हैं। इस सरकार ने हर जाति को परेशान किया है, कोई विकास नहीं हमारे लड़के में हुआ। जाति समीकरण है, पूरा गांव मतलब एक तरफा 80% कांग्रेस की तरफ है, 20% में दो रहेंगे। अच्छा, आज से तो और भी बहुत ज्यादा चेंज हुआ हुड्डा साहब के आने से। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 80% एक तरफ रहेगा और 20% में दोनों निपटाएंगे आप? अभी तो स्टार्टिंग हुई है जी, कांग्रेस वाला ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहे दोनों, अगर आप अगर लास्ट टाइम अगर आप देखोगे तो 80% से भी ऊपर जाएगा। अच्छा, तो ऐसी क्या बात है, आप जो कांग्रेस ने कैंडिडेट दिया है उससे खुश हैं? हाँ जी, जो उसने पार्टी ने दे दिया उसी से खुश हैं। आपको पार्टी से मतलब है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, अब वैसे आपके लिए मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, क्यों आपको लग रहा है बदलाव के लिए वोट करना चाहिए? देखो जी, इन्होंने कोई विकास नहीं कराया, हर उसको वर्ग को पीटाई की है इन्होंने, किसान को पीटा, सरपंच को पीटा, कर्मचारी को पीटा, स्कूलों को बंद कर दिया, पढ़ाई जहाँ मतलब वो मैंने टीचर नहीं थे वहाँ मतलब टीचर नहीं है, स्कूलों में हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, मतलब परेशान हो गए लोग, इनसे 10 साल हो गए जी। कोई तो विकास का मुद्दा ये गिनवा नहीं सकते। ये बोल रहे हैं ना कि ये खर्ची पर्ची वगैरह जो हमने नौकरियां दी हैं ये खाली कौशल रोजगार दिए हैं उन्होंने, जो ठेकेदार गिन रहे हैं, पक्के लगा दिए इन्हें BA MSc करे हमारे बच्चे जो वहाँ का पर कापियाँ उठा रहे हैं उनकी, वो मतलब हिसाब देखे पढ़ाई के उससे तो क्या नौकरी है जी उनकी। लेकिन जो बीजेपी को वोट करते हैं जब उनसे हम बात करें तो वो कहते हैं कि सबसे बढ़िया बात तो ये है कि बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां लगती हैं। कितने बच्चे लगे जी, कितने फार्म कैंसिल हुए हैं, कितनी भर्तियाँ कैंसिल हुई हैं, आज तक कोई पूरी नहीं हुई। ये इन्होंने कौशल रोजगार ठेकेदारी में बांट के कुछ बच्चों को दिए हैं रोजगार, जिनकी पढ़ाई के उस हिसाब से तो वो भी नहीं है, जिस बेस पे पढ़ रहे हैं उनको एक चपरासी की नौकरी दी गई है तो बता क्या रोजगार दिया उन्होंने, कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, आप क्या कह रहे थे बिना खर्ची बिना पर्ची के नहीं दिए बीजेपी ने नौकरियां? कहां जी, किसको दिया? पढ़े लिखे तो जब एक झाड़ू मारने वाले के उसमें लाइन में खड़ा है, सफाई कर्मचारी की लाइन में, MBA पास करे लड़के, तो बताओ कहां रोजगार है? रोजगार तो छोड़ा ही नहीं ना, पिछड़ गया जी हरियाणा तो, बहुत ही पिछड़ गया है बेरोजगारी के मामले में। हमारे यहाँ देखते हैं बच्चे इतने घूम रहे हैं नशे की तरफ, बेरोजगारी हो रही है, काम धंधे कुछ इनके पास है नहीं, पढ़ाई छोड़ दी, नौकरी इनके फार्म भरते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, भर्तियाँ कैंसिल हो जाती हैं। तो मतलब हमारे गांव में शायद ही 10 साल में 2-4 बच्चों को ये DEC की मिली होगी, नहीं तो नौकरी नहीं मिली। हमारा तो असल तो
हल्का ही ऐसा है जी। हम कम से कम 20 साल हो गए देख रहे, 10 साल डांडा साहब को देख लिया, कोई विकास नहीं, और इसलिए हम परेशान हैं। ये कॉलोनिया है, थोड़ा बहुत कॉलोनिया में तो काम करेगा, नहीं हमारे गांव में तो शायद ही कोई काम करेगा। नहीं वो बोल रहे हैं ना, हमारे यहाँ तो कहते हैं कॉलोनिया, हमारे आदमी नहीं क्या, गाँव में कर रखा है, विकास कहीं करा नहीं इसने, अपने धंधे बढ़ाए हैं। वहाँ एक आध बार शायद काम पर जाते थे ना, कहते मेरे अफसर नहीं मानते। कभी कभी यहाँ आए, कभी आप लोगों से मिले? हाँ आए, अब आ रहे हैं, पहले सिर्फ वोट मांगने, पहले नहीं आए कभी, किसी के दुख में सुख में किसी के उसमें नहीं आया। डांडा साहब 10 साल में सिर्फ वोट मांगने आता है, बाकी वो नहीं। फिर ऐसी क्या बात रही कि एक बार नहीं, दो दो बार लोगों ने जिता कर भेजा उनको? बस क्या बताऊं, जी भरोसा दिलाएगा कि अब की बार मेरी चली नहीं, अगली बार चलाऊंगा, मेरी सरकार बनाओ, विकास करूंगा, गांव से जुड़ा हूं, ऐसी वैसी बात करके मतलब लोगों को बहला दिया। आपने किया था बीजेपी को वोट? हाँ किया था जी। अच्छा, तो आपने पिछली बार वोट किया था? हाँ पिछली बार किया था, उससे पिछली बार नहीं किया था। अच्छा, तो बहला फुसला के उन्होंने, अगर भाई अब की बार करूंगा, मौका दे दो एक बार, अब की बार भी नहीं उन्होंने कोई काम किया। अब कितनी बार तक उसको बंधे रहेंगे, हमें कितने साल तक बंधे रहेंगे जी, उसमें काम नहीं किया। मेन कारण ये है जी। पानीपत की जब हम बात करते हैं तो इसे दिल्ली का दरवाज़ा भी माना जाता है, और दिल्ली के बेहद करीब है ये, और इसलिए भी दूर दराज के इलाकों से यानी कि यूपी से भी लोग और इधर बिहार वगैरह से भी लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं। और यहाँ आकर जो शहरी इलाका है, क्योंकि ये पानीपत ग्रामीण सीट है, यहाँ पर 7% यहाँ पर शहरी आबादी है और 40% यहाँ पर ग्रामीण आबादी है, तो ये जब उनकी हम बात करते हैं तो यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग बाहर से भी आते हैं पलायन करके यहाँ पर काम के लिए, लेकिन फिलहाल जो लोग यहाँ के हैं उनको ही काम नहीं मिल रहा है। आप अपना नाम बताइए। शमशेर सिंह। शमशेर सिंह जी, मुझे बताइए कि आपके लिए इस बार क्या मुद्दे हैं चुनाव में? मुद्दे हैं जी, काम तो कराया नहीं कुछ ही सरकार ने, कोई काम नहीं करा, कोई काम नहीं किया, कोई काम पर नहीं। आपने कभी बीजेपी को वोट किया था? नहीं, मैंने कभी नहीं किया। आपने कभी नहीं किया? कभी नहीं किया। लेकिन फिर भी आपके लिए क्या वो अहम मुद्दे हैं? ये कहा जाता है कि पहलवान, जवान और किसान, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा तो किसान मुद्दा होगा जी, जो एक साल तीन वहाँ बैठे रहे हैं, 750 किसान मरे, उसका कुछ नहीं इन्हें वो किया। फिर पहलवानों को ये लड़की का जो इन्हें वो किया दिल्ली से, वो विनेश फोगाट का, उसका भी कुछ नहीं किया जी ने। बीजेपी तो एक ऐसी सरकार है जो कति कुछ नहीं करे, बीजेपी नहीं करे। ठीक है, अम्मा आप बात करेंगी? नहीं नहीं बता, वोट करने जाती हैं आप? वोट करने जाती हैं? वोट करने जाती हैं? अच्छा, जाती हैं देने के लिए? अच्छा, तो जो जो परिवार कह देता है वो वोट करती हैं, सोच के करती हैं कुछ? किस पर लुआवेगी तू? किस से वोट लगाएगी तू? चलिए, और लोगों से हम मालूम करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं इस बार। ये इनकी ये दुकान है, हार्डवेयर की दुकान है आपकी, तो मुझे बताइए क्या सोच कर इस बार वोट करेंगे? आपका कारोबार ठीक चल रहा है? कारोबार तो जी बहुत अच्छा, कारोबार तो अपने हिसाब से चलाना होता है। वोट इस है जी, बेरोजगारी महंगाई सबसे बहुत है, ज़्यादा हो गई अब की बार पता क्या। और जैसे हमारे सेंटर में भी 10 साल हो गए, तीसरी प्लान आ गया, और ये हरियाणा में भी सरकार सबसे ज़्यादा तो ना, जैसे किसान खिलाड़ी इनको कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा, जैसे पहले हुड्डा साहब ने कराया था भाई, उसके उनके समय में ना तो खिलाड़ी को A+ A ग्रेड की नौकरी दी जाती थी, और अच्छा जैसे 7-7 करोड़ गोल्ड मेडल के दिए जाते थे, 4 करोड़ सिल्वर के दिए, तो वो सारी पॉलिसी इन्होंने ख़त्म कर दी थी। ठीक है, किसानों के लिए वो काले कानून लाए, धरने पर बैठे किसान उनकी कोई सुनने नहीं आया, बाद में वो कानून तो वापिस हो गए लेकिन उनका प्रोसेस अभी जारी है, वो पूरी तरह से निस्तानभूत नहीं हुए। तो ये एक किसान और एक आमजन विरोधी सरकार है, मतलब इसका मकसद ये है सबसे बड़ा। देखो किसी भी स्टेट में इलेक्शन हो, इनका काम है सबसे पहले जातिवाद फैलाना, सांप्रदायिकता फैलाना देश में, जो अराजकता का माहौल हो जाता है ना, उससे देश का माहौल बिगड़ जाता है, ये इनका फायदा पहुंच जाता है उससे। लेकिन ये तो लोगों के ऊपर भी है कि ये अगर ये करते हैं तो लोग भी तो बढ़ जाते हैं फिर। जैसे लोग तो उस चीज़ को मान लेते हैं ना, जब ये इस इतने बड़े लेवल पे प्रधानमंत्री के पद पे बैठ गए, लोगों को ऐसे बरगला रहे हैं, तो लोग तो उस भावनाओं में बहेंगे। ठीक है, लोगों की गलती नहीं है, आप किस पद पे बैठे हो ये देखो, आप लोगों को क्यों बहका रहे हो ना, आप इतने बड़े पद पे बैठोगे तो जात पात फैलाओगे, सांप्रदायिकता फैलाओगे, लोग तो आप तो बहुत नीचे हैं, आपको इतनी लोगों को इतनी समझ नहीं है जितनी आपको, फिर आप भी इतना गलत कदम क्यों उठाओ। तो सबसे मतलब और ये बोल रहे हैं ना, ये भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इसी सरकार में हुआ, अभी जैसे यूपी में बुलडोजर चढ़ रहे हैं, विपक्ष पे चल रहे हैं,
सत्ता पक्ष वालों के घर पे क्यों नहीं चल रही? उनके पास भी तो भ्रष्ट है, वह भी तो आदमी है, उनके पास भी तो भ्रष्ट आदमी, या फिर ईडी सीबीआई जो भेजी जाती है किसी भी मामले में चलो, वो मतलब विपक्ष पे क्यों अटैक हो रहा है, सत्ता पक्ष पे क्यों नहीं हो रहा? जैसे एक था ना पुष्कर जैन था कोई, उसके पास है ना 250 करोड़ की संपत्ति मिल गई, यूपी की बात है, तो उसको बाद में खुलासा होया कि भाई ये तो बीजेपी का आदमी, उसको है ना 50-60 करोड़ रुपए लेके छोड़ दिया। काम मामला क्या होता है, अगर आप सरकार को जानकारी नहीं दे रहे ना, मेरे पास इतना पैसा तो आपकी सारी संपत्ति जब्त होती, फिर उसके बाद वो जो दूसरे नाम का था ना पी नाम से ही था कोई कांग्रेस का, उसको दोबारा से ईडी ने उठाया, फिर उसकी संपत्ति जब्त। तो ये मतलब ये पक्ष विपक्ष सारा काम इनका बहुत गलत है। आपने बीजेपी को वोट किया था ना जी? आज लग भी नहीं, सारी उम्र भी नहीं करूँ मैं। अच्छा, जिंदगी में भूल कर भी दिमाग में भी नहीं आओगे। अच्छा, तो लेकिन आप ये बताइए कि कांग्रेस तो अगर हम देखें दोनों ही बार 19 में भी और 14 में भी इस सीट पर चौथे और पांचवें नंबर पर रही। ऐसा है जी, देखो पता क्या होता है, माहौल होता है, एक बार तो जेजेपी ने माहौल खराब कर दिया। जेजेपी आई थी पता क्या हरियाणा में ना, जिन मैंने बीजेपी ने आते ही जाट और नॉन जाट कर दिया, सबसे पहली बात है। तो जैसे इनकी पार्टी इनेलो से अलग होकर जेजेपी बन गई, तो लोगों ने सोचा इन बीजेपी के खिलाफ जो वोट दिए थे ना वो सारे जेजेपी को गए थे, ठीक है, उनको लग रहा था भाई ये कुछ करेगा सरकार के या कुछ भी, तो वो बाद में जाके फिर बीजेपी के साथ मिल गया। तो जो जितनी भी सारी वोटें हैं लाचारी में, इसीलिए ग्रामीण सीट आ रहे थे, जो सेकेंड नंबर पर वो देवेंद्र ये कादन था ना, इसीलिए मतलब यो कांग्रेस को 10,000 वोटें आई थी। अगर ये नहीं होता, दुष्यंत नहीं होता, तो यही जीतते। अच्छा, हाँ, कैंडिडेट जैसे ओम प्रकाश जैन थे, वो तो पास आउट हो गए, गुजर गए, मतलब वो इतने भ्रष्ट थे, उन्होंने तो मर्डर रेप और क्या पता नहीं क्या क्या कर रखा था। अच्छा, तो उनको वो जो 10,000 वोट आई थी ना, सिर्फ वो पार्टी की वोट थी, जो कट्टर होती है वो कभी नहीं कहीं जाती। इस कैंडिडेट से खुश हैं आप इस बार जो उन्होंने उतारा है? बढ़िया युवा कैंडिडेट है, सबसे बड़ी जरूरत है तो हमारे मुख्यमंत्री का नजदीकी, अगर ये बनता तो हमारे क्षेत्र का हमारे ग्रामीण हलके के काम होंगे। अच्छा, आपको ऐसा लगता जैसे, है? हाँ, बिल्कुल है, होंगे जी, सरकार तो देखो पक्की है मेजोरिटी की, हरियाणा में कांग्रेस कर रहे हैं, बिल्कुल 100% है जी। इस पे है त्रिकोणीय मुकाबला, जो हमारी सीट है, क्यों विजय जान ने आके फाइट बना दी। एक हमारा रास्ता है जी, वो देखो 4-5 साल हो गए यहाँ ना, 150-200 किलो में ना वो NFL की झील थी, वहाँ से रखी है 4 साल हो, ये रोड टूट रहा है, एक इधर लिंक रोड है दूसरे गांव से जुड़ता है, जो इधर स्कूल वाले खेत वाले रास्ते हैं सारे डैमेज हो गए हैं, 5 साल हो गए डांडा के पास चक्कर काटते हैं, ये तो छोटी सी बात है। मैंने अभी देखा, मैं पूरे पानीपत ग्रामीण में अभी घूमी आज पूरी जगह, मैंने इतनी गंदगी आज तक कहीं पर नहीं देखी, इतने टूटे हुए रास्ते के गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था, तो ये तो बहुत मतलब पूरे पानीपत ग्रामीण में मैंने देखा बहुत बुरा हाल है। मैं भी जा रहा हूं, जाओ शहर में भी जाओ, 29 सेक्टर है जी, इंडस्ट्रियल एरिया स्पेशल, 6 साल हो गए इतने बड़े बड़े खड्डे हो रहे, 1.5-1.5 फुट के, ग्रामीण के विधायक भाजपा से, शहर के विधायक भाजपा से, बीजे ऊपर सरकार भाजपा की, सेंटर में भाजपा, सांसद भाजपा, इससे आगे तो नहीं कुछ हो सकती पावर, अभी भी नहीं इनसे विकास हो रहा, लोगों की समस्याएं हल नहीं हो रही, तो इससे आगे क्या करेंगे हम? तो बहुत बुरा हाल है जी, ये सरकार काम करने वाली नहीं है, ये तो लोगों के हाथ में कागज देगा और इनके ये के अटल सेवा केंद्र इनके चक्कर काटा जाए और कुछ नहीं, लाइन में ला दिया 5 लाख के बीमे, ये वो स्कैम है जी, आप जाके बेड पे लौट जाओ, मेरा कार्ड बन गया, डील होगी, ठीक है भाई, आयुष्मान की बात, हाँ हाँ, जो 5 लाख रुपए वाला स्कैम है यो, आप बेड पे लेटोगे एडमिट होगे, ठीक है, ऊपर से बिल बन के ना सेटिंग होके, मरीज को तो चल उसे क्या मतलब है, ऊपर से पैसे पास होंगे उनका आदमी होगा, डील होगी 4 लाख की, 2 उसके 2 डॉक्टर के, ये स्कैम है जी बहुत बड़ा। आप ये सोच रहे ना लोग खुश हो गए भाई 5 लाख का इलाज फ्री कर, ये स्कैम है। एक ये जो मतलब ये 3-4 चीजें हैं इस सरकार ने, जैसे ये बार बार एक मतलब अनाज का बढ़ावा, देश में स्टॉक है ना जी, ऐसा होना चाहिए अगर 2 साल अकाल भी पड़ जाए ना, 3 साल तक का देश के पास पेट भरने का अन्न का स्टॉक होता है, इनने अपनी वोट के चक्कर में, वोट बैंक के चक्कर में ना अनाज बांट के देश के पास 0 अनाज का जो स्टॉक है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कुछ भी नहीं है, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए कैसे भी हो, जैसे फिल्में में नहीं होता शाम दाम दंड भेद सब कुछ यूज करते हैं। अच्छा, मुझे बताइए विजय जैन जी किसका नुकसान ज्यादा करने जा रहे हैं? विजय जैन तो खुला डांडा का नुकसान है जी, बिल्कुल। अच्छा, महिपाल डांडा का। पता क्या जी, जैसे इसकी 5-4 फैक्ट्री है। लेकिन बीजेपी में थे, कांग्रेस में आए, फिर अब इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, तो लोगों को ये कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा कि कांग्रेस में भी थे? तो जैसे जी ये बीजेपी की पार्टी से मेयर थे,
सॉरी पार्षद थे पानीपत से, तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई अब चल ग्रामीण क्षेत्र की तरफ विधानसभा का इलेक्शन, तो इन्होंने देखा दो बार ये डांडा जीत रहे हैं तो यहाँ पे तो नंबर नहीं ठीक है, इसकी तो सीट कट दी नहीं, तो कांग्रेस की तरफ रुख कर ले। तो कांग्रेस में जो ये 20 साल पुराना कार्यकर्ता है, ये जैसे कॉलेज टाइम से ना छात्र राजनीति में आ गए थे सचिन कुंडू जी, तो फिर युवा के प्रदेश अध्यक्ष बने, इलेक्शन हो गए ऐसे नहीं बने थे, इलेक्शन हुआ था वोट डली थी, तो युवा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद एक बात बताओ जी, 20 साल से कार्यकर्ता साथ में है, ये तो है नहीं भाई चार दिन पहले पार्टी से दूसरी आई या भगोड़ा, तो पार्टी उसी को तो प्रायोरिटी देगी जो मतलब पार्टी के साथ जुड़ा है, वो कहा नहीं कर रहा ठोड़ पड़ा पत्थर भारी हो, तो पार्टी उसी को प्रायोरिटी देगी, तो अच्छी अच्छी टिकट दी है, कोई गलत टिकट नहीं दी है। ठीक है, चलिए, बहुत नॉलेज है इनको, और आप ये देखिए पूरे हरियाणा की पॉलिटिक्स, यहाँ सीट की पॉलिटिक्स सबको उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिया है। और जब हम बाहर निकले तो कुछ और लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, बात कर सकते हैं आपसे? अच्छा, क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र जी बताइए इस सीट पर क्या है समीकरण, क्या सोच रहे हैं इस बार? मुकाबला तीनों का मुकाबला, मुकाबला बढ़िया कड़ा मुकाबला है, मुकाबला कड़ा, कोई साहब जीत सकता है। फिर भी क्या लग रहा है अभी किसका पल्ला भारी है? मुकाबला तीनों का। अच्छा, कोई साहब निकल सकता है। ये बताइए विजय जैन जो है वो किसको नुकसान ज्यादा पहुंचाने जा रहे हैं? तो कॉलोनिया में तो बीजेपी को नुकसान ज्यादा कर रहा है, और उसको कॉलोनिया में तो उसी का नुकसान कर रहा है बीजेपी का, कॉलोनिया में कॉलोनिया में तो बीजेपी का नुकसान ज्यादा कर रहा है। नहीं क्यों, पहले बीजेपी में था, फिर इसलिए बीजेपी में था तो उसके वर्कर तो वही हो गए, तो डांडा की सहायता करा करता और है तो उसको टिकट नहीं मिली तो बीजेपी को नुकसान है उसके खड़े होने के बाद। क्या आपके मुद्दे क्या हैं, किस किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं? मुद्दा तो बस 10 साल हो गए, 10 साल होने के बाद सरकार से बदलाव चाहती पब्लिक, 10 साल हो गए, 10 साल में तो कुदरती बदलाव चाहिए, बच्चा नौकरी नहीं कुछ नहीं, सारा सौदा लगा दिया कच्चे, अब कर्मचारी लगाए तो मतलब बीए करोड़ बच्चे में करोड़ चपरासी लगा, तो कहती है बिना खर्ची बिना पर्ची के सारा सौदा होता, खर्ची भी होती पर्ची भी होती है, कहने की बात होती है, एक एमए करोड़ बच्चा एक पीएन लगेगा वो क्या बता, एक 10वीं करे हो रहा 11वीं 12वीं कर रहा वो तो को नौकरी लग रहा है बैठा कुर्सी पर, एमए करे और बच्चे को पानी पिला रहा उसमें कितनी वो होती है, उनकी तनख्वाह नहीं मिली अभी तक, उनकी तनख्वाह जो 6-6, 7-7 महीने हो गए बच्चे, उनकी 3-3 महीने की तनख्वाह ही है मैडम अभी 3-3 महीने की, लेकिन उनकी तनख्वाह नहीं आ रही, 25-23 हज़ार रुपये 24 हज़ार रुपये देते हैं उनको, फाइनल है वालों नहीं पता कौन सी स्टेशन कौन सा तुम्हारा, लेकिन 10 साल में कुदरती बदलाव चाहती पब्लिक, बदलाव होना भी चाहिए, एक को नहीं होना चाहिए बदलाव होना चाहिए। आप मैंने देखा कि बहुत बुरा हाल है इस पानीपत ग्रामीण की पूरी, हमने देखा ग्रामीण तो सबसे सबसे मुझे लगता है सबसे गंदी सीट मैंने अब तक देखी है, ग्रामीण तो सबसे वो सीट, मतलब गंदी वैसे नहीं, मतलब गंदी ऐसे सड़कों पर पानी भरा हुआ है, टूटी हुई है सड़कें, पानीपत में जा देख लो आज तक वो पानीपत में मेयर बन रही है, जिस दिन वो मेयर बनी थी उस दिन सफाई का टेंडर हुआ था, उस दिन का वो सोल्यूशन बीजेपी का, बीजेपी अनवित कौर, उस दिन का आज तक उसका सफाई का वो नहीं हो रहा, यानी के सांसद भी बीजेपी के, विधायक भी बीजेपी के, मेयर भी बीजेपी के, सांसद था भाटिया 10 साल 5 साल रहा, 5 साल में गांव में किसी का वो नहीं आया, इब खट्टर है एमपी है यहाँ का, मंत्री बन गया 5 साल में आएगा नहीं, हो आगे दिखा दियो कोई, लेकिन यह मुकाबला तीनों का सीट पर कोई भी निकल सकता है, किसी का कुछ नहीं कह सकते। ओके, अभी लग रहा है कड़ा मुकाबला है, अभी लग रहा है आपको इंतजार करना पड़ेगा, इलेक्शन थोड़ा चढ़े थोड़ी और रैलियां वैलियां होंगी, लास्ट तक वो करना पड़ेगा, कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर, तीनों का कोई से निकल सकता है, एक का कोई फाइनल नहीं। क्या इसलिए भी कि जातीय समीकरण यहाँ बिल्कुल अलग तरह के हैं? जाति जूती सब भाईचारा सब एक है, कोई टेंशन कोई भाईचारा सब एक है, जाति सोच कर वोट करते हैं? नहीं, कैंडिडेट देख के वोट करते हैं। बिल्कुल, तो 2014 और 19 में फिर क्यों जाति देखकर वोट किया गया? जातिवाद तो इन्होंने फैला रखा, 2019 में कहां जातिवाद वोट किया, बिरादरी का आदमी रहता है बताओ क्यों, कौन कहे जातिवाद, उन्होंने कहा कि जाट वर्सेस ऑल कर दिया, तो इसीलिए ये कहा, ये तो फैला रहे हैं, ये अपने फायदे के लिए तो फैला रहे हैं, ये बात है गम्मा में तो नहीं किसी ने कहा, ये तो एक मतलब अगले को जहर बढ़ने वाली बात करते हैं, उनको साथ थोड़ा रहना, ये तो साथ में पैक बढ़ाते, यहाँ पब्लिक आराम से रहती बताओ, यहाँ वो फूट डालते हैं, फूट डालो राज करो, वो काम कर रहे हैं, तो लेकिन वो कामयाब तो हो जाते हैं ना राज करने में, भाई अब की बार देखेंगे कामयाब होंगे या नहीं होंगे, दो दो बार कामयाब कराया हरियाणा के लोगों ने, उनकी किस्मत ही आगे देखे, बदलाव चाहती है पब्लिक। मुद्दे क्या है आपके? मुद्दे मारे कुछ नहीं जी, ना तो नौकरी पल्ले रह रही, पढ़े लिखे युवा आड़ा बैठे रहे बताओ क्या करेंगे, रेट इतना महंगा 5 किलो उसमें खा गए,
जमींदारा खत्म, बच्चे खत्म, कौन रह रहा? सारे विदेश में जाने रहे, जमीन बेच बेच के वहाँ को डोंकी कर मरण लग रहे बच्चे जागे हैं, उनका 50-50 लाख की 40-40 लाख की जमीन बेच के वहाँ जा रहे, पीछे कुछ नहीं, नौकरी नहीं, नुकसान हुआ, नौकरी क्या गए? सबसे मेन करा ये अग्निवीर योजना करी है, चार साल बच्चे जा लिए बाहर, 4 साल बच्चे क्या, अगर नौकरी होती तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं थी, मजबूरी में तो एक दो दो किला वही बेच कर जा रहे हैं। आप कह रहे पलायन कर रहे हैं यहाँ से, मतलब जा रहे हैं दूसरी जगह जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भूखा मरण आ गया, कुछ तो कर रहे हैं, कूद रह रही है बेच कर अपना बाहर, जलना कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जमीनें बेच के बाहर जा रहे हैं और क्या करें? एक एक दो दो कूट है, आखिरी मजबूरी को प्लाट बेच रहा, को घर बेच रहा है, जब नौकरी हो तो ये बीएम में करे और बच्चे ऐसे फिर रहे हैं, वो पीएल लग रहा बताओ, उसमें 20-30 लाख रुपया उसकी पढ़ाई पे खर्चा होगा, नौकरी मिल रही उन्हें 25,000 की, क्या गुजारा हो जाएगा? तो आप कह रहे हैं हर वर्ग को परेशान कर रखा है? बिल्कुल। कभी बीजेपी को वोट किया था? किया था, शुरुआत में बदलाव चाहता था, पर इन्होंने पब्लिक को इतना परेशान कर दिया कि फिर बदलाव चाहिए। खट्टर जी की बातों में आए थे, मोदी जी की बातों में? बस मोदी के उसमें आए गए खट्टर भी, मोदी के प्रेम में डूबगी थी पब्लिक सारी, मोदी के उसमें आई खट्टर बुक आई, मैं खट्टर में। आपने भी किया था? नहीं, उसमें नामन नहीं किया। अच्छा, केंद्र और उसमें लोकसभा में किया था? लोकसभा में भी नहीं किया, लोकसभा में भी नहीं किया, और पिछले साल उसमें किया चाबी वाले को, जेजेपी को किया पिछले साल। अच्छा, ठीक है, और लोकसभा में किया इन लोगों। अच्छा, लेकिन कांग्रेस तो यहाँ पर दोनों बार बड़ी पीछे रही है, 14 में भी और 19 में भी, एक बार चौथे नंबर पे, एक बार पांचवे नंबर पे, ग्रामीण से तो टक्कर में रहती है, कभी पीछे नहीं थी, पीछे थी, पीछे थी, एक बार चार बार, एक बार पांच बार, 14 में, लेकिन खत्म था। कैंडिडेट का हिसाब गलत था, कैंडिडेट ठीक नहीं था इस बार, कैंडिडेट ठीक है? ठीक है, बढ़िया कैंडिडेट, ठीक है। चलिए और लोगों से पूछ लेते हैं, हम बात करेंगे, नहीं क्यों, युवा हो बात करनी चाहिए, हाँ वोट करने तो जाएंगे, हाँ क्या सोच के जाएंगे वोट करने? आदमी देख के जाएंगे जी, आदमी देख के, और मुद्दे? मुर्दे जो विकास है, मुर्दे नहीं, मुद्दे मतलब आपके मसले, कामों को नौकरी चाहिए बच्चों को, तो जो पढ़ रहे लिख रहे हैं युवाओं को, हाँ। रोजगार चाहिए, हमारी सड़क है गांव की, जैसे वो भी डांडा के पास भी गए कई बार, हमारे गांव के बुजुर्ग गए, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी, आई बारी गए उनको लड्डू पेड़े खुआ के गांव में वापस भेज दिए, अब की बार वहां विश्वास कर रहे हैं विजय जैन। अच्छा, हाँ जी, विजय जैन को वोट देंगे, पूरी सपोर्ट करेंगे, लेकिन विजय जैन ना तो इधर है ना उधर है, नहीं नहीं वो आजाद उम्मीदवार है, हाँ। वो ऐसी बात नहीं, वो कांग्रेस में साथ देंगे पूरा, कांग्रेस वालों का, तो जो कांग्रेस का है फिर आप उसी को दे दीजिए, नहीं नहीं जी उसको टिकट नहीं दी हुड्डा साहब ने, तो कैसे दे देंगे, हम विश्वास करके गए हुड्डा पास, हुड्डा जी के पास, कि आप ये देखोगे ग्रामीणों में किसकी दावेदारी है, जिसकी दावेदारी उसको टिकट दे दो, डाणी के कुंडू साहब को तो कोई जानता नहीं ना, हमने कभी देखा, ओके, तो ये हमारे सुख दुख में काम आते हैं विजय जैन में, कोई मर रहे हैं जैसे बुजुर्ग है, कोई है गांव में, हर सुख दुख ऐसा तो नहीं है त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी फिर से बाजी मार के ले जाए, नहीं नहीं ऐसा नहीं, बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा, कोई वोट नहीं देगा, ऐसा क्यों? बस ऐसे मैंने हम लोगों का बदलाव कर, अच्छा मैंने तो 10 साल हो गए बना लिया उसको, 10 साल आपने वोट किया, तो ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी के भक्त हैं, आप मानते हैं? 10 साल थे बीजेपी के ओके भरे जी, इसने इसने कुछ नहीं मिला बेचारे ने, वहाँ से माड़ा भी सहयोग नहीं मिला, गरीब आदमी के लिए कह दिया मेरा मकान जाके देखो, डांडा जी को बोला जी मेरे का मेरा ये मकान पास हो रहा है, जोड़े तो ऊपर पारस कर दोगे थोड़ी जल्दी पैसे आ जाएंगे, वो बोला ये तो कोई काम नहीं भाई, फिर काम क्या होते हैं उनके, मतलब उनको पता ही नहीं काम क्या होते हैं गरीबों के, तो क्या करेंगे? तो आप हमें कह सकते हो आप पूर्व भक्त हैं? हाँ जी हैं, पूर्व भक्त हैं, पर अब नहीं है, अब नहीं है, अच्छा जो इसकी टिकट कट जाती विजय जैन को मिल जाती तो हम विजय जैन के साथ में थे, अच्छा बिल्कुल बीजेपी में थे, अच्छा तो आपको कैंडिडेट से भी वो है आपको कि कैंडिडेट नहीं बदला इसलिए भी नाराज हैं आप? बिल्कुल। अच्छा तो नाराजगी पार्टी से ज्यादा है आपको या कैंडिडेट से? पार्टी से तो होगी, कितने खर्चे करवाए विजय जैन पे, बड़े बड़े नेता है सबका प्रोग्राम विजय जैन जी करते थे बीजेपी में, डांडा जी क्या करते थे, हमारे गांव में 4-5 वर्कर है बस वही है, उन्होंने 6-7 आदमी तो घट गए, उन्होंने बताया नहीं है कुछ भी, ठीक है। चलिए और लोगों से हम बात कर लेते हैं, तो ये एक बार फिर से मैं बता दूं, ये इन्होंने कहा कि ये भक्त रहे हैं बीजेपी के, 10 साल उन्होंने वोट किया है, और लेकिन उसके बाद भी अब उनको लगता है कि बदलाव ये चाहते हैं, और बदलाव के लिए विजय जैन जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनको लगता है उनको इस तरफ उनको वोट करना चाहिए। आप अपना नाम बताइए। रविंद्र नांदल।
रविंदर जी, क्या इस बार क्या सोचा है आपने, क्या है सीट के समीकरण और आप क्या सोच रहे हैं, आपके लिए मुद्दे क्या हैं? हमारे लिए वैसे तो हरियाणा में कांग्रेस सरकार आ रही है, अच्छा बीजेपी जा रही है, बिल्कुल सुपड़ा साफ, एक भी सीट नहीं है। अरे ये तो ज्यादा हो गया। नहीं जी, एक भी नहीं। आप देख लो, जो मेन बात क्या है, हमारा जो नायब सिंह सैनी सीएम साहब है वो ही आ रहे हैं अपनी सीट से, गृह मंत्री है लाडवा से, गृह मंत्री विज है वो अम्बाला कैंट से आ रहे हैं, तो फिर सरकार चलाएगा कौन? तो दूसरे आ जाएंगे चेहरे कोई और? कुछ नहीं, वो मैन कैंडिडेट है, वो नहीं जीत रहे तो फिर और कौन जीतेगा? अभी तो मोदी जी आए थे कुरुक्षेत्र में, मोदी जी के कुछ नहीं होता, मोदी जी के नाम पर वोट नहीं करेंगे। मोदी जी का जुमला खत्म हो चुका, खत्म हो गया। क्या था जुमला? सारे जुमले देश के, सारा तो जुमला था, क्या किया मोदी ने? कुछ नहीं किया। आपने कभी वोट किया था? हाँ किया था, मोदी को एक बार वोट किया था आपने, लेकिन अब नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अच्छा, और लोकसभा में किसको किया था वोट? लोकसभा में कांग्रेस को किया था, लोकसभा में कांग्रेस को किया था, और एक बार लेकिन आप बीजेपी को वोट कर चुके हैं और आप कह रहे हैं आप नहीं करेंगे। 14 में किया था, 14 में किया था, 19 में ही कान पकड़ लिए थे, कान पकड़ लिए थे। लेकिन 19 में तो फिर बन गई सरकार। कोई बात नहीं, वो तो जनता का जनाधार है, कुछ भी हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपके लिए यहाँ मेन मुद्दे क्या है, बेरोजगारी महंगाई ये सब है या इसके अलावा भी आप लोगों के कुछ? बीजेपी ने कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं छोड़ा जिसको ना पीटा हो, खासकर हमारे हरियाणा में तो हमारी पंचायतें पीट दी, जो माले गांव का सरपंच पीट दिया तो ये समझो सारा गांव पीट दिया, सारे सरपंच पीट दिए, पीटीआई पीट दिए, आंगनबाड़ी वर्कर पीट दी, सारे जेबीटी मास्टर पीट दिए, खिलाड़ी पीट दिए, किसान पीट दिए, मेन मुद्दा किसान पीट दिए, 750 किसान शहीद हो गए, उनके लिए एक लफ्ज आज तक भी श्रद्धांजलि के लिए नहीं बोला गया, हमें आतंकवादी बताया गया, तभी उसे पता चल जाएगा आतंकवादी कौन है। ये आपके दिल पे लगी है बहुत बात? बिल्कुल, उसे पता चलेगा आतंकवादी है कौन, खालिस्तानी और आतंकवादी। आज भी हमारे किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनके लिए यहाँ वोट मांगने के लिए आ जाते, लेकिन उनके पास तक कोई नहीं जाता। क्या आपको ये भी लगता है कि ऐसी क्या बात है कि दिल्ली नहीं जाने दिया जाता किसानों को? ये पता हुआ तो उन्हें पता जी, ये हम अपने गाँव में नहीं आने देते। अच्छा, हम अपने गाँव में नहीं आने देते बीजेपी वाले को? बिल्कुल विरोध करेंगे अगर कोई आएगा तो। हाँ, बिल्कुल विरोध करेंगे। अजब महिवाल ढांडा आएंगे अगर आप? हाँ, तो बारे बार घूम के जाता रहेगा, गाँव में नहीं घुसता, गाँव में नहीं घुसने देंगे आप? अच्छा, और ऐसी में बहुत सारी जगहों पे देख रही हूँ जहाँ बीजेपी के कैंडिडेट जेजेपी के भी आ रहे हैं, उनको गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा है, यहाँ तक कि अनिल विज को भी जेजेपी का भी सुपड़ा साहब बीजेपी के साथ ही कर दिया था, क्योंकि जेजेपी को वोट बीजेपी के खिलाफ दिए गए थे और वो उनको समर्थन देने के बाद उन्होंने अपना सुपड़ा अपने आप साफ कर दिया। और इनेलो? इनेलो तो वैसे खत्म हो चुकी थी, ये विचारधारा नहीं मिली थी, पार्टी दो जगह बैठ गई थी तो इनेलो तो पहले खत्म हो चुकी थी, लेकिन अभी एनएलओ ने भी गोपाल कांडा जो है उन्होंने उनके साथ किया। गोपाल कांडा नाम में जिसका कांडा होगा, कांडा तो कांडा है जी। कांड करना उनका काम, और कुछ नहीं, काम नहीं करने, कांड करने उन्हें। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ, बड़े आप लोगों को देखेंगे तो बहुत जानकार यहाँ पर लोग हैं, यहाँ की सियासत समीकरण सब के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी यहाँ के लोग रखते हैं। आप किस वोट करने जाएंगे? हाँ जाएंगे जी। हाँ, क्या सोच कर जाएंगे? कांग्रेस पे देंगे जी, और क्या सोच? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन क्या सोच कर, क्यों कांग्रेस को? क्यों, अच्छे काम करेंगे भूपेंद्र हुड्डा जी किसानों का। अच्छा, हाँ जी। और क्या काम करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं। तो जो किसानों के साथ हुआ वो आपको बुरा लगा? बहुत बुरा लगा जी, हमारे किसान दिल्ली में बॉर्डर पे पीटे गए, ये बहुत किसान मरे हैं, ये है और क्या। ठीक है बाबा, अपना आपका नाम क्या है? राजवीर सिंह। राजवीर जी, मुझे बताइए आप क्या सोचकर वोट करेंगे इस बार? महंगाई, बेरोजगारी और ये प्रजातंत्र खत्म कर दिया, किसी को आजादी नहीं थी बोलने की भी, ये आपके लिए मुद्दा है? हाँ। तो आपको लगता है कि सरकार के खिलाफ बोल दे देशद्रोही हो गया? बड़ी बात कह रहे हैं। सरकार के खिलाफ बोलना तो कानून में है, बिल्कुल है, वो गलत करेगा तो उसके खिलाफ बोल रहे, इतने देशद्रोह के मुकदमे अंग्रेजा के टाइम पर नहीं लगे जितने लगे हैं। तो आप लोगों को क्या डर भी लगता है कि अगर कुछ सरकार के खिलाफ बोला तो आप लोगों के खिलाफ भी कोई केस हो सकता है? केस हुए है, हो रहे बतेरे, वापिस भी नहीं बोली यार तक, जेल में पड़े बतेरे बंदे। तो ये आपके लिए बड़ा मुद्दा है क्या? ये जब ये कहा गया था लोकसभा में कि अगर 400 पार बीजेपी करती है तो लोकतंत्र और संविधान बदल देगी, क्या ये तमाम चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण थी, ये सब आप सोच रहे थे उस वक्त में? 400 पार हुई तो कानून की? हाँ हुई नहीं, 240 पर सिमट गए। 75 पार याड़ा भी कहते पिछली बार भी, इनकी बार 40 पार करे वो 40 की जगह 20 हो जाएंगी, तो 20 पर सिमट जाएगी बीजेपी आप ये कहते?
40 थी पिछली बार, टक्कर तो पिछली बार ही बहुत जबरदस्त थी, होगी तो 20 पे सिमट जाएगी। मुद्दे जो हैं वो जो सही चलेंगे, अगर इन्होंने कोई चाल नहीं चली तो 20 पे सिमट जाएगी। जैसे ही ये चाल चल रहे, गोपाल कांडा की सीट पे अपना प्रचार ठुआ लिया बीजेपी का, तीनों पार्टी एक होने को जा रही है, खाली कांग्रेस को हराने खातर तीन पार्टी एक हो रही है। लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा कि 10 सालों में लोगों ने ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ लिया है, क्योंकि पहले जेजेपी ने अलग चुनाव लड़ा लेकिन फिर बीजेपी के साथ चली गई, अब INLD भी यही कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा कि हम बीजेपी के साथ चले जाएंगे लेकिन फिर बयान वापस ले लिया। इलेक्शन से पहले हो लिया इनका, वो गोपाल कांडा की जगह प्रचार उठवा लिया इनका, गठबंधन तो है उधर, इलेक्शन से पहले जा लिए उधर, इलेक्शन के बाद तो जाना है। पहले से खेल खुल गया आपको लगता है? पब्लिक को वो पब्लिक नहीं रही तो सब पता चल गया। आपको लग रहा है कि 2014 और 19 से लोगों ने सबक सीखा तो इस बार जो गलतियां की पिछली बार वो नहीं करेंगे? नहीं, इस बार कोई गलती नहीं करेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। हरियाणा ने मूड बना लिया इस बार? मूड बना लिया। आपने कभी बीजेपी को वोट किया था? हाँ किया, एक बार किया था। अच्छा, एक बार किया, एक बार किया था आपने। तो ज़्यादातर लोग आप यहाँ पर देखेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट किया था, कुछ लोगों ने दो बार किया था, कुछ लोगों ने एक बार किया था, कुछ ने लोकसभा में किया था, कुछ ने विधानसभा और लोकसभा दोनों में किया था, लेकिन इस बार उनमें से ज़्यादातर लोग, या यहाँ मैं कहूँ तो लगभग 100% लोगों ने ये कहा कि वो इस बार बीजेपी को वोट नहीं करने जा रहे हैं, वो थक चुके हैं। और लोकतंत्र का निज़ाम ये है कि बदलाव होना चाहिए और बदलना चाहिए, और इसीलिए उनको लगता है कि बदलाव हो। जी, तानाशाह हो गए, पब्लिक को दिल्ली नहीं जाने देते, राजधानी किसी के बाप की थोड़ा है। जब ये वो करें, जब तो रामलीला मैदान खाली हो जा, जब किसान जावा या और कोई जावा उसके लिए खाली नहीं है। जंतर मंतर पर रामलीला मैदान में धरने प्रदर्शन के लिए तो जगह मांगी जा है, उनको जगह दे दो, वहाँ कर लेंगे वो तो। और लोकतंत्र में तो प्रदर्शन का हक है सबको। तो आप क्या कह रहे थे बाबा? कुछ नहीं कह रहे। नहीं, आप वोट करने तो जाएंगे? मैं वोट करने जाऊंगा। क्या सोच के जाएंगे? विकास होना चाहिए देश का। विकास कौन कर रहा है? विकास, विकास तो ये सरकार कर नहीं रही, नहीं कर रही है, लेकिन विकास पे तो वोट मांगते हैं। मोदी जी कहते हैं विकास किया इन्होंने, मोदी जी जैसा झूठा आज तक प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू कोई भी बुराई करता है जितना एक भगवान जैसा आदमी था, भगवान था भगवान जी ने, ये है ना इमेज बन रहे हैं, ये सारी कांग्रेस की देन है, सब कांग्रेस की देन, जो विकास है, नदी है, जो जहाज बने, टैंक बने, बस बने, सब पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण हो गया। और अब हर चीज के लिए, वो तो कहते हैं हर चीज के लिए नेहरू जिम्मेदार हैं, जो भी कुछ गलत हो रहा है वो तो कह, वो तो नहीं कहेगा कि मैंने तो पैदा भी सारे बने के रखे हैं सारे, यह जनता राम कोई वो लाने वाला है, राम पहले था ही नहीं, पहले राम नहीं था, अभी राम आया है। वो तो उन्होंने, बल्कि उन्होंने तो गाना बनाया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो भगवान को कोई ला सकता है? वो तो राम से भी बड़ा हो गया, जो राम को ला रहा तो राम तभी बड़ा हो गया। तो ऐसा राम मंदिर की वो थे ना, वहाँ का MP कैसे बन गया समाजवादी पार्टी का, देश कुमार, सब पता है आपको? पता है, हम ग्रेजुएट हूँ 1976 का। अरे वाह, अरे वाह, अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, कैसे भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ लिख के ही आप वो नॉलेज हो, बिना टेट मास्टर हूँ। ओ अच्छा, बात ये है, हम तो ये तो डंडा तो हमारा, चलो कुछ ठीक भी है, शरीफ है, पर मोदी की हवा निकालनी है, इसका मोदी की हवा निकाल देंगे, हरियाणा निकल गई, अच्छा 70 सीट आएंगे। आज आपने देखा नहीं, आज जब हुड्डा साहब आ रहे थे, सारा देश टूट के पड़ रहा था, कोई 1000 आदमी हो गए थे इकट्ठे गांव में, फिर अगर नूर वाले में जांगड़ी वोट है वहाँ। मुझे आप पक्के कांग्रेसी लग रहे हैं? मैं तो कांग्रेस ही, बीजेपी के, बीजेपी के थे, बीजेपी का हूँ मैं तो। अच्छा, अरे भी मन मन हमारा था परिवार से, मैं ना जो बीजेपी का है, कल डांडा प्रोग्राम भी करवाओगे हमारा लड़का। लेकिन इन को देखते हुए, इस प्रजातंत्र जो कुसंग लग रहा है, इसको देखते हुए कांग्रेसी, वो कांग्रेसी मास्टर जी। लेकिन आप तो मास्टर जी हैं, आपने क्या सोच के बीजेपी को वोट किया था? मैंने किया ही नहीं, किया ही नहीं, मैंने तो आज तक कांग्रेस के सिवाय किसी को वोट नहीं किया। अच्छा, इस बात का पता नहीं इस बार क्या होगा। वैसे डंडा शरीफ आदमी है, अच्छा आते पैर पकड़ा और काम कुछ नहीं करया, तो फिर उसका क्या फायदा है? शराफत से आप, हाँ शराफत तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन काम नहीं किया तो फिर आप लोग क्या करेंगे? काम नहीं करा तो सीधा भी नहीं,
बाद में मंजूर करवा बनना शुरू नहीं हुआ, मंजूर तो उसने करवा दिया, अब बन जाएगा इलेक्शन के बाद। ठीक है, तो आप ये लोगों को आप सुनिए, मैं पी लूँगी, थैंक यू। तो हर तरह के यहाँ पर तमाम तरह के जो देश के मुद्दे हैं उन सब की भी बड़ी अच्छी जानकारी है यहाँ पर लोगों को। ये गांव है और इस गांव में भी आप ये देखिए कितने अवेयर लोग हैं कि उनको हर चीज़ के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी, अपने मुद्दों के बारे में जानकारी है, कैंडिडेट से लेकर देश का इतिहास उन सब के बारे में इतनी अच्छी जानकारी रखते हैं। और जब मैं यहाँ पर आ रही थी तो मुझे युवा पत्रकार दिव्या मिली और मैंने दिव्या से कहा कि आप थोड़ी देर रुक जाइए और मैं आपसे ज़रूर बात करूंगी, क्योंकि हम दिल्ली वाले लोग तो आते हैं यहाँ पर कवर करते हैं और फिर चले जाते हैं इलेक्शन के टाइम पे, लेकिन दिव्या जैसे जो होनहार पत्रकार हैं वो यहाँ पर हमेशा रहते हैं और कवर करते रहते हैं और ज़्यादा उनको पता रहता है। तो दिव्या मुझे बताइए कि आप इतना, जी मैं ले लूँगी बाबा, आप इतना घूम रही हैं, अलग अलग सीटों पर जा रही हैं, क्या लग रहा है इस बार? इस बार मैम सबसे बड़ी बात है, तीन चीज़ें होती हैं, बेरोजगारी, महंगाई और विकास। शहर में सबसे ज़्यादा क्या चाहिए सबको, विकास चाहिए। गांव में क्या चाहिए, विकास चाहिए। महंगाई और बेरोजगारी की मैं बात करूं तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। जब कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी, तो महंगाई उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी भाजपा की सरकार में देखने को मिल रही है। मैं अपनी गली की बात करूं, क्योंकि एक पत्रकार होने से पहले मैं पानीपत की निवासी हूं, तो मैं खुद चाहूंगी कि मेरा शहर आगे बढ़े, मेरा शहर कामयाब हो, मेरा शहर, मैं जहां भी जाऊं मेरे शहर की चर्चा हो, मुझे खुशी हो। अब आप बाहर से आई, आप दिल्ली से आई, आपने देखा कि शहर तो साफ सुथरा है लेकिन गांव के अंदर विकास नहीं है, तो वो बुरा लगता है कि यार गांव के अंदर विकास नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर मैं बात करूं, जब भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार थी तो बहुत अच्छा काम हो रहा था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 10 साल इन्होंने कार्यकाल रहा, बहुत अच्छी लहर चली, जनता ने समर्थन दिखाया भाजपा को, लेकिन उन्होंने काम कुछ नहीं किया, धरातल पे काम कुछ भी नहीं है। मैं अपनी गली की बात करूँ, मेरी गली के अंदर कूड़े वाले आते हैं, आते ही नहीं, साफ करने वाले नहीं आते, कोई नहीं आता, नगर निगम की कोई काम नहीं है, गली ऐसी पड़ी है, पानी भर जाता है, घुटने तक पानी आ जाता है, तो किस चीज़ का विकास मैं मानूँ। बेरोजगारी की बात करूँ, मेरी गली में इतने बच्चे हैं जिन्होंने बीटेक किया है, पास आउट है, महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं, लेकिन नौकरी नहीं है। फिर मैं बात करूँ, महंगाई तो बहुत ही ज़्यादा चरम सीमा पे, आम आदमी यहाँ पे आराम से नहीं रह सकता। समीकरण बताइए मुझे इस सीट के, वैसे तो मैंने समझाया लेकिन अभी क्या लग रहा है, क्या त्रिकोणीय है मुकाबला? हाँ, मैं कहती हूँ मुकाबला बहुत टफ है इस बार, क्योंकि ना भाजपा की, अब 10 साल वैसे भाजपा को तो मैं अलग रख रही हूँ, लेकिन अगर मैं बात करूँ, क्योंकि निर्दलीय सीट भी है, तो विजय जैन जी की मैं बात कर रही हूँ, तो उन्होंने जनता में सपोर्ट दिखाया है, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि जब दो लोगों की लड़ाई होती है ना तो मलाई कोई और खाता है, हाँ। तो यहाँ पे मलाई विजय जैन जी खा सकते हैं। अच्छा। क्योंकि विजय जैन जी का ये रहा है लगातार शुरुआत से, उन्होंने गलियों में सबको योगदान दिया है। और बात करें सचिन कुंडू जी की, क्योंकि कांग्रेस से है, भाजपा को इस बार वोट नहीं मिल रहा है, सचिन कुंडू के समर्थन में लोग हैं, विजय जैन के समर्थन में लोग हैं, तो वही दो लोगों की लड़ाई में विजय जैन जी कहीं ना कहीं मलाई खा सकते हैं दोनों के बीच में। लेकिन आपको ये लग रहा है कि इस बार हरियाणा थोड़ा डिसाइसिव होकर वोट कर रहा है, वो ये सोचकर वोट कर रहा है कि जिसकी सरकार बन रही है, जिसके लिए माहौल है, उस तरफ ही जाया जाए, वोट खराब ना करें अपना? हाँ, ये तो है ही, क्योंकि अभी 10 साल में लोगों को बहुत उम्मीदें थी भारतीय जनता पार्टी से, उस उम्मीद पर वो खरे नहीं उतर पाए। अगर कोई और कैंडिडेट होता जो खरा उतर रहा होता तो शायद मिल जाता, भारतीय जनता पार्टी जीत सकती थी, लेकिन जब कोई काम ही नहीं किया, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ, तो फिर इसलिए शायद वोट नहीं मिलेगा, कांग्रेस को वोट मिल सकता है और विजय जैन जी को। ठीक है, और भी जब हम बात कर रहे हैं तो इसी वक्त भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी सी टोली जो है वो यहाँ पर निकल रही है और यहाँ पर महिपाल डांडा के लिए वोट मांग रहे हैं आप। कैसी स्थिति है आपकी? बहुत अच्छी स्थिति है जी, यहाँ तो लोग बता रहे हैं कुछ और है। ऐसा है जी, लोगों के हम गांव की तरफ घूम रहे हैं, जो हमें माहौल मिल रहा है बहुत ही अच्छा मिल रहा है, और इससे अच्छी सरकार किसी गरीब का बेटा लगता भी ना खर्ची पर्ची। लोग तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर महिपाल राणा जी आए तो उन्हें बाहर से भगा देंगे। नहीं जी, सवेरे यही लोग स्वागत करेंगे फूलमाला के साथ, यही लोग फूलमाला के साथ स्वागत करेंगे ना, बांग्लादेश बना देगी भारत का, ये तो आप जो मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया, उसकी बातें कर रहे हैं आप। सच्चाई है, एक बात बताओ ना, एक घर में एक गरीब बच्चे को नौकरी मिलती है बिना खर्ची पर्ची के, उस घर में एक चिराग जगता है पूरी लाइफ। अच्छा, मैं यहाँ किसी से पूछूं? हाँ, अच्छा रुक जाइए, किसी और को बुलाते हैं, आप आइए, इधर आइए। चलिए इस बार एक छोटा सा फेस ऑफ करा लेते हैं। आप कह रहे हैं बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी लगती है, क्या आप मानते हैं? अच्छा, आराम से, हाँ आराम से, हाँ
एक लास्ट में इलेक्शन आ गया, डी ग्रुप की नौकरी दे दी, क्या दे दी? ए मैं और बी में कौन लग गए हैं ये बताओ मेरे को, बिना खर्ची पर्ची ए बच्चे एमपीएल पीएचडी एमए डबल एमए करे और डी ग्रुप की नौकरी कर रहे हैं, दसवीं पास अफसर लग रहा है तो भाई 21,000 रुपए तनख्वाह वाली नौकरी लग रहा है मेरी बात ऑफिसर तक लगा ऐसा मैं बता सकता हूं आपको, मैं बताता हूं मैडम जो पीएचडी कर रखा है वो डी ग्रुप में क्यों करता है अप्लाई, वो अपने ग्रुप में क्यों नहीं अप्लाई करता? नौकरी नहीं मिल रही कहीं और, नहीं मिल रही क्यों नहीं मिल रही ना, वो गलत है। उड्डा के राज में 50,00,000 दे के वो नौकरी मिलती थी लेकिन अब वो नौकरी नहीं मिलती है। अच्छा एक मिनट एक मिनट अच्छा एक अच्छा कैमरे के सामने मत आइए, अच्छा एक मिनट आराम से है ना, एक मिनट ठीक है। सबसे पहले तो शांति से आपकी बात सुनूंगी और शांति से भी इनकी बात सुनूंगी। अच्छा ये लोगों को ये बता दूं, ये कार्यकर्ता हैं और ये कार्यकर्ता नहीं है, ये दूसरी पार्टी के हैं लेकिन कार्यकर्ता नहीं, लेकिन ये कार्यकर्ता है ठीक है, ये बीजेपी के कार्यकर्ता जी। मैंने आपको बता दिया, मैं आपके पास आ रही हूँ ना, एक करके आराम से क्यों लगा है, जब बेरोजगारी है तो फिर देख रहे उसको अच्छी नौकरी लगेगी तो क्यों लगा? आप इस तरफ के ना, आप इधर आ जाइए चलिए एक एक करके अब आप बोलिए फिर मैं उनसे बात करूँगा। ये सभी हमारे भाई हैं, गांव के हमारे भाई हैं, सभी जातियों से आजोर का नमस्कार है। हाँ। ये पहली नौकरी लगी हमारे परिवार में, हमारे परिवार में कभी नौकरी नहीं देखी थी, कभी नहीं देखी, ना दादा ने देखी, ना उसने परदादा ने देखी, ना मेरे बाप ने देखी, ना हमने देखी, पहली नौकरी लगी। एक लड़का लगा, बना खर्ची बना पड़ चुके भाई, एक रुपया लगा मेरे भाई का, एक रुपया लगा। अब आपने बोल दिया ना, अब जवाब ले लेते हैं। भाई पहली बार नौकरी, देखो जी सुनो, छोटी बात इनने पहली बार टेस्ट के लिए क्लियर करा होगा तभी तो लग गई, पहला टेस्ट क्लियर हुआ ना भाई, कांग्रेस सरकार में टेस्ट पर लग गया मेरी, सुन ले ले तू, अरे लड़ाई की बात नहीं ना, आराम से पहला टेस्ट क्लियर हुआ था किसे भाई छोड़ने इलाके ठीक है, आराम से पहले खर्ची पर्ची माले 1,00,000-2,00,000 में चला कर दी तो 20,00,000 रेट हो गया, ऐसा जी ऐसा ही भर्ती, 25,00,000 रुपए खुला रेट था, ऐसा ही भर्ती का हरियाणा की बात है, ये बीजेपी की सरकार थी, कोई गलत दूसरी सरकार नहीं। हाँ, क्या बोले? गुजरात के जो इलाके हैं एक ना रोज तक के बच्चे लगते थे, आप कोई भी आज से 10 साल पहले हरियाणा पुलिस की लिस्ट उठा लो, 10 बालक अदर स्टेट के और सारे जो नड्डा बालक है रोज तक के लगते थे। साल के बाद देखिए अगर आप पैसे करेंगे ना आपकी बात पहुँचेगी, कहते हैं कि पैसे देकर लगा, जिस परिवार के पास अपना घर भी नहीं किराए पर रह रहा है उसका लड़का हमारे गांव में इनके सामने सबूत के तौर पर मिस्त्री का लड़का, बिल्कुल घर की खुद की अपनी छत नहीं है जी, उसका लड़का बिजली बोर्ड में कलर्क लग गया है, तो बताओ उन्हें पैसे कहाँ से दे दिए मैडम जी? मारे केस चल रहा है, सारे घोटाला करा बिठा देंगे, इलेक्शन खत्म होने हाईकोर्ट ने तो कह दिया उन पर केस है, वो अनऑथराइज लग रहे सुनो, मेरा लड़का लग गया जी आई बिजली बोर्ड में कोई पैसे नहीं है, फिर से टेस्ट पार करके लग गया, ये आपके वोटर हैं, आप इनसे लड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? मैडम वोटर है ना, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है, ओके 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 ओके, चलिए 6 नंबर ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। मेरे अभी अभी 2 साल के बच्चे एक पुत्र अभी लगी टीचर ठीक है, ओके बाबा ओके ओके। तो यहाँ एक छोटा सा देख लीजिए आपने, मैंने एक छोटा सा फेस ऑफ करा दिया और सब दायरी बार है 200 रुपया चलिए ठीक है, अंकल जी कह देंगे 300-300 रुपए लेगा रहे हैं। चलिए ठीक है, वो जाने वो उनका काम है, उनको जैसे ठीक लग रहा है वो वैसे करें ठीक है। और यहाँ पर एक है किन से जो ये जो खड़े हैं, अच्छा चलिए भाई उनकी बड़ी सिफारिश आई है तो उनसे पूछ लेते हैं, क्या हाँ क्या बोल रहे हैं बाबा? नौकर है, पीछा हुए
एच सी एस बोर्ड के चेयरमैन 3.5 करोड़ रुपए दे रहे थे, शीम की कुर्सी बराबर है चंडीगढ़। ये तो बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं इधर हो जाएगा बाबा, बाज गए बोलिया को है, तो ये तो कह रहे हैं कि बिना खर्चे बिना पर्ची के उनका भी बेटा लगा, उनकी बेटी लग रहे डी ग्रुप के हैं, एसडीओ लाए सारे गुजरात के लाए, हरियाणा कौन है देखो लिस्ट में, बड़ी भर्तियां कोरे पेपर धराए हैं। आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा में भर्तियां गुजरात वालों की करी है, और हरियाणा के लोगों का क्या हुआ? हरियाणा से पड़ासी लागे हैं पढ़े लिखे, तो जो बड़ी पोस्ट है उसमें गुजरातियों को बिठा रहे हैं, गुजरातियों को बिठा रहे हैं। डी ग्रुप की सी ग्रुप की 2 भर्ती करी 10 साल में, और को भर्ती में बताओ, सारे पेपर लीक हुए हैं, पेपर लीक नहीं हुए कोर्ट में स्टे करा देंगे, जो काम है रेल में बुढ़िया कराया माँ बुआर दादा अडानी तय दिए तो भी बंद कर दिया, गरीब आदमी रेल में जाए थे वो भी बंद हो गया, सारी एक्सप्रेस बढ़ा दी, गरीबा करा गए। आपने कभी बीजेपी को वोट किया था? है? बीजेपी को वोट किया था? बीजेपी को तो मैं मरूंगा जब भी नहीं करूँ, अच्छा जिंदगी जीते काम करूंगा, मरे और भी नहीं करूँ। और बोल क्या आपके लिए क्या क्या मुद्दे हैं इस बार जब वोट करने जाएंगे, क्या सोच के जाएंगे? कुछ नहीं मुद्दे निकालते, कुछ तैयार है रेल चढ़िया भूखा है। हाँ क्या बोल रहे हैं? इनको फूक का सारे पिटोड़े तैयार कर रखे अंतिम संस्कार करेंगे। अच्छा ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये यहाँ का हाँ, तो ये यहाँ की ये लोकल भाषा में वो कह रहे हैं कि उनको फूक कराएंगे। हाँ कच्चा तेल था ना जो कांग्रेस के राज में 130 रुपए डॉलर प्रति बैरल पहुँच गया था, आज कच्चा तेल है ना 55 रुपए प्रति बैरल डॉलर है, रेट वॉक नहीं जी अभी डाउन है 15 रुपये और रेट कितना है अभी भी 100 रुपए, और कांग्रेस जब भी 90 दे रही थी 130 रुपए था जब, अभी 55 आ गया हाफ हो गया ना उसका आधा, तो रेट कितना होना चाहिए? तो मतलब ये जो टैक्स लगाया जा रहा है ना, ये सारी पार्टी खातर ही है, जो बड़े बड़े प्रोपगंडे रचे जा रहे हैं, ये मोटे मोटे रुपये खर्चे जा रहे हैं, MLA खरीदे जा रहे हैं, MP ये सारा ही आड़े थे तो आया है नहीं। अगर पेट्रोल का रेट ना 70 रुपये होना चाहिए और 60 रुपये डीजल होना चाहिए, जैसे कच्चा तेल है कच्चे तेल के हिसाब से। अच्छा आप इतना खुलकर बोलते हैं, आपको डर नहीं लगता बीजेपी की सरकार है? हमारा क्या करेगी सरकार, आड़े तो 1.5 साल दिल्ली रोक दी थी, हमारा पुंजड़ नहीं पाटा सरकार पे, जब नहीं कुछ बिगाड़ पाए बता दो जी अल्लाह तो कोई सरकार पे कुछ बिगड़ा तो नहीं, 1.5 साल 14 महीने बैठे रहे उड़ा सरकार ना पोए झुकी ना आखिर में झुकी सरकार है किसान झुके, बता दो फिर मारा क्यों बगाड़ेगा के, हम नहीं डरते किसी से भी, बीजेपी हो कोई हो किसी तरह डरते जी सीधी साफ। ठीक है चलिए, तो ये पानीपत का आपने मिजाज यहाँ पर जान लिया, बात आपने सुन ली यहाँ पर, और आपने देख लिया कि पानीपत के लोग क्या सोच रहे हैं इस बार, ये पानीपत की ग्रामीण सीट है, और ऐसे ही, और मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि इस सीट पे आने का मेरा इंटरेस्ट ये ज़रूर था क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की पोजिशन खासी ख़राब 2014 और 2019 में रही, तो मेरी जानने में दिलचस्पी बहुत थी कि इस बार पानीपत की सीट पर क्या समीकरण बन रहे हैं। एक युवा को कांग्रेस ने उतारा है, 2 बार से बीजेपी के यहाँ पर विधायक हैं, यहाँ पर अगर पानीपत की बात करते हैं तो यहाँ पर MP भी उनके हैं बीजेपी के हैं, तो यहाँ इस बार क्या समीकरण बन रहे हैं, तो पूरी तस्वीर मैंने आपको दिखा दी है, फैसला आपके ऊपर छोड़ दिया है, अब देखना है कि 5 तारीख को पानीपत की और हरियाणा की जनता क्या फैसला करती है।